कि अवर हेल्पर्स, हमारी हेल्प कैसे होती है, कौन कौन है समाज में जो हमारी हेल्प करता है, वो बताऊंगी आज मैं आप सबको। ठीक, आपको मैं बताऊंगी अवर हेल्पर्स। नो बेटा, ये कौन है? मैम है ये, टीचर है ना ये। हाँ, टीचर क्या करते हैं? हाँ, कॉपी। ये क्या कॉपी पे काम कौन डालता है? मैम डालते हैं ना काम। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे काम कौन करवाता है? मैम करवाते हैं। ठीक है, टीचर हमारी हेल्प करती है ना पढ़ने लिखने में। वेरी गुड। अब ये बताओ, ये कौन है? पुलिस वाले, पुलिस मैन है ना ये, पुलिस मैन है ना ये, भी हमारी हेल्प करते हैं। पता किसमें? हाँ, जब कोई कहीं चोरी हो जाए, उसको चोरी का पता करने के लिए या फिर चोर को पकड़ने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, है ना। वेरी गुड। ये कौन है? ये बताओ। ये चोर नहीं है, ये है फार्मर। हाँ, ये क्या है? फार्मर कौन होता है? किसान। ये भी हमारी हेल्प करते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं ना, तो ये किसान खेतों में मेहनत करके हमारे लिए काम करके फसलें उगाते हैं, हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं। ये कौन है? किसान। हाँ, ये हमारी हेल्प करते हैं ना। अब ये बताओ, ये कौन है? हाँ, जब आप बीमार होते हो तो मेडिसिन कौन देता है? डॉक्टर। तो ये कहाँ लगाता है डॉक्टर? कानों में। हाँ, ऐसे कानों में लगा के चेक करता है ना आपको। हाँ, ये देखो, ये क्या है? इंजेक्शन, टीका। ये कौन लगाता है? डॉक्टर लगाते हैं ना, जब आप बीमार होते हो मेडिसिन भी देते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं, है ना। जब ज्यादा बीमार होते हो फिर इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अब ये क्या, ये कौन है? डाकिया। पोस्टमैन। जब पहले जब फोन नहीं होते थे तो ये डाकिया हमारी हेल्प करता था, एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने के लिए। ठीक है, आप बताओ, आपको नर्स का पता है? नर्स कहाँ होती है? हॉस्पिटल में होती है ना नर्स। नर्स क्या करती है? हॉस्पिटल में होती है ना, वो क्या करती है? वो भी हमारी सेवा करती है ना, हमारे समाज की। हॉस्पिटल में जो मरीज होते हैं उनको ग्लूकोज बोल लगाता है। डॉक्टर की हेल्प नर्स ही करती है ना, मरीजों की हेल्प करती है, है ना। वो ग्लूकोज लगाती है ना मरीजों को। वेरी गुड। अब ये क्या है? ये देखिए, कैंची। कौन चलाता है? कैंची का डॉक्टर भी चलाते हैं। डॉक्टर चलाते हैं ना कैंची, जो ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो फिर कैंची का यूज करते हैं ना फिर डॉक्टर। हाँ, और कैंची कौन चलाता है? और टेलर के पास भी होती है कैंची, कपड़े काटने के काम भी आती है ना कैंची। और जो नाई होती है उनके पास भी कैंची होती है, बाल काटने के, है ना, नाइयों के पास होती है ना कैंची। नाई भी हमारी हेल्प करते, जैसे लड़कों के बाल अगर वो कटवाएंगे नहीं तो कितने लंबे हो जाएंगे, तो नाई भी हेल्प करते है ना हमारी। आपको ये देखो, ये कौन है? दर्जी। कौन है ये? दर्जी। दर्जी को क्या कहते हैं? टेलर। ये हमारे लिए क्या करते हैं? कपड़े सिलते हैं ना। हाँ, ये बताओ, ये कौन है? मोची। ये क्या करता है हमारे लिए? जूते बनाता है, जूते सिलता है ना हमारे लिए, तो ये भी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा ये देखो, अवर हेल्पर्स का चार्ट है ये। ठीक है, सबकी पिक्चर्स दी हुई है। ये मिल्कमैन है, ये टीचर है, ये फार्मर है, ये डॉक्टर है, ये लॉयर है। ठीक है, ये सभी हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, ये सभी समाज सेवक है। आप सबको पता चल गया अवर हेल्पर्स का, है ना। तो कैसी लगी आप सबको एक्टिविटीज? अच्छी लगी? ठीक है, क्लैपिंग कर दो अपनी।